पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। ऊपर से ये कोतरा है ना, क्या गई? ओए इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसको ना इसको खोरकोर गया, इसको खोरकोर गया। क्या कह सारे मुल्क बेची रहे सची? हाँ दिन दे रोका। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट हैप्पी, और आज है डेली ब्लॉगिंग का चौथा दिन। और सुबह सुबह आपका भाई कहाँ आया देख सकते हो, मम्मा गोबर भर रहे हैं, और आपका भाई रोज की तरह फिर से गोबर उठाएगा। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बोला था कि नाम सोचने हैं गाय के, तो मुझे जैसे कि ना बड़े सारे नाम आए थे, पर जो सबसे ज़्यादा आया था एक आया था मुन्नी और एक आया था सुंदरी। तो जो मेरी फेवरेट है ना वो है मेरी मुन्नी, ये देखो ये मुन्नी मेरी फेवरेट है, और दूसरी साइड वो है सुंदरी। कौन सुंदरी? वो ए ये सुंदरी, ये है मुन्नी, और ये है मुन्नी की बेटी। इसका नाम भी सोच रहे हैं यार, मुन्नी का तो सोच लिया, उसकी बेटी के लिए नाम सोचना। तो फिलहाल ये पत्थर खा रही है, ये बड़ी तेज है यार। एक दिन इसने मेरे को बड़ा कसीटा था, दुआड़ा था इसने मेरे को। तो अभी फिलहाल मम्मा ने गोबर की टोकरी भर दी है, मैं उसको उठा के फेंक आता हूँ, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी फ्रेश होके खाना खा के दुकान पे, क्योंकि वहां पे जाके हमको बनानी होती है रील मेरे स्टार दो फौजी और उसके साथ। तो वहां पे जाके मिलता हूँ, पहले टोकरी फेंक के खाना खाना है उसके बाद। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। अभी ना एक फेरा लगा दिया, और मेरे साथ देखो वीडियो बनाने के लिए कौन कौन है, श्रुति, ये पूजू दीदी की लड़की है, ये श्रीता भी, इनको तो आप जानते हो, ये श्रुति है, ये पोनी से। तो ये भी कह रही थी मामू मैंने भी देखनी है, और मेरी दूसरी तरफ देख लो मैं गोबर फेंक रहा हूँ, हमारे ताऊ जी सब्जी लगा रहे हैं। ताऊ जी ने इतनी सी जगह को इतने प्यार से ना इतने सही तरीके से मेंटेन किया हुआ ना, हर किस्म की सब्जी लगाई है हमारे ताऊ जी ने। ये देखो ये पानी फेंकने के लिए ताऊ जी ने अलग अलग किस्म की चीजें रखी हुई हैं। ताऊ जी अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ। गोबर की टोकरी एक फेंक दी, अभी एक और है वो फेंक के फटाफट ब्रश करके मुंह धोना है, उसके बाद जाना है रील बनाने। खाना भी खाना है यार। देखो इसने मारी थी टक्कर की निग्गर साहब से, आपने देखा किसने निग्गर हिसाब से इसने मेरे को टक्कर मारी, पहले बाल बाल बचा मेरे को लगी थोड़ी सी, पर बच गया मैं, इतनी जोर से लगी। अभी फिलहाल मम्मा ने दूसरी खारे की टोकरी भी भर गई है, अब मैं टोकरी लेके जाता हूँ। मम्मा अब नहीं आ रहा, अब आराम से बोलना। हेलो हेलो सर, हेलो कैसे हो? ठीक, आप सुनाओ। चुको टोकरी जैसे कि आपने देखा मैं गोबर फेंक के आ गया हूँ, पीछे देखो हमारी ताई और जीजू, ये हमारे जीजू जी हैं, पोनी से हैं, लेक्चरर आ रहे हैं, पर टीचरों से डर लगता है मेरे को थोड़ा, पर जीजू से नहीं लगता, घर वाली बात है ना। और हमारे स्कूल तो खत्म हो गए क्योंकि जीजू ने अब हमको बोलना नहीं है पढ़ने को बोलते हैं इनको। आई बांजा मेरा। तो अभी फिलहाल जीजू और ताई जी काट रहे हैं फ्रूट चाट, तब तक मैं मुंह धो लेता हूँ, ब्रश कर लेता हूँ, और ये दूसरी तरफ खाने के, मेरी तरफ दूसरी, ऐसे ये भी काला मैं भी काला, दोनों कूतरे बैठे हुए हैं खाने के लिए। तो अभी पहले मैं ब्रश कर लेता हूँ, मुंह धो लेता हूँ, उसके बाद तब तक ये फ्रूट चाट तैयार हो जाएगा, तब तक मैं ब्रश कर लेता हूँ, मुंह धो लेता हूँ। तो अभी आपका भाई ब्रश करके मुंह धो के फ्रेश हो गया, मुंह धोया, अब नहीं नहाता रोज रोज, ठीक है, हो गया जो होना था। तो अभी ताई जी के द्वारा फ्रूट चाट बनाया हुआ खत्म हो गया, मेरे लिए बचा के रखा थोड़ा सा। तो ऊपर से ये कोतरा है ना, क्या गई? इतना प्यार नहीं।
ये ओए इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, इसको ना इसको खोरखोर गया, इसको खोरखोर गया। या देखो कल बर्स ले आओ उसको, ये देखो मैंने बोला था इसको खोरखोर गया, इसलिए मेरी लतों के ऊपर चढ़ रहा है, लतों के नीचे। ये देखो इसको पता नहीं कौन सी खोरखोर है। हमारे ताईजी की सबसे खास बात ये है, ताईजी खाने पीने के बड़े शौकीन है। फ्रूट चाट आइसक्रीम आइसक्रीम क्या बढ़िया था गुरु। फ्रूट चाट खा लिया, अभी मेरे को खाना खाना, उससे पहले मेरे को करना चावल फ्राई, क्योंकि मैं चावल ऐसे नहीं खा सकता बिना फ्राई किए हुए, तो अब खुद ही करने पड़ेंगे। पहले चावल फ्राई कर लेता हूँ, खाना खा के फिर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं दुकान पे आया था, भाई की दुकान पे आया हूँ, यहाँ पे मेरा पार्सल आ चुका है। ये पार्सल मंगवाया है मिंत्रा से, बट सुजेस्ट किया था मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहा था कि तू हमेशा ब्लैक कपड़े डालता, उसने मेरे को बोला था कि ये वाइट वाला, मतलब ये पसंद उसकी है, तो मैंने मंगवाया हुआ था। अभी इसको ओपन करके देखते हैं ये कैसा है और कैसा जकास है। ठीक है तो आप यार, ये हुड्डी तो आ गई है, बड़ी जबरदस्त जकास लग रही है मुझे, बस साइज में थोड़ी सी ना ऐसे लूज है। मंगवाई तो मीडियम ही थी, बट मीडियम में पहली बार ऐसा हुआ मुझे, कुछ चीज़ ना थोड़ी खुली आई हुई है, पर ये खुली भी सही है क्योंकि कलर इतना जबरदस्त जकास, जैसे कि देख सकते हो आप, आपका भरा कितना कोरी लग रहा है, जबरदस्त कलर बड़ा सही है यार इसका। ओ ये प्रैंक होंगे दुनिया बनाती, मैं कला हो अभी ना जैसे कि आपने देखा पापा ना मेरे को डांट रहे थे, मैं दुकान से घर आ गया हूँ, पापा मेरे को इसलिए डांट रहे ताकि मम्मा की वीडियो उन्होंने देखी जो मम्मा ने डाली है, उस वजह से डांट रहे थे। तो अभी पापा, अब उस प्रैंक से याद आया, मैं पापा के साथ भी प्रैंक करूंगा, बट वो थोड़े दिनों के बाद। घर पे आ रहा हूँ और आगे मेरी मम्मा खड़ी गई, ये देखो मम्मा का प्यार, मशहूर मम्मा हमारे, हमारे मम्मा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, क्योंकि पिछले ब्लॉग में लोगों ने मेरे को इतना नहीं पूछा जितना मम्मा के लिए पूछा। मेरी मम्मा खड़े थे बाहर लड़के का वेट करते हैं, जैसे हमारा तो प्यार है, पर आज पापा को बड़ा गुस्सा आया हुआ है वीडियो देखने के बाद, वो मम्मा को डांट रहे थे कि क्या बेइज्जती कराई होगी यार, पर पापा को नहीं पता है, अभी हम पापा के साथ प्रैंक करने वाले हैं एक दो दिन के बाद, शायद मेरे को शितर भी चल जाए, पर हम करेंगे। तो फिलहाल अभी मैं खाना खा लेता हूँ। मम्मा क्या बना है? खिचड़ी। खिचड़ी बनी हुई है, कुछ खिचड़ी हमने बनाई थी कल की, कुछ ये कुछ ये, अब ये वाली खिचड़ी खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों अभी ना सुबह के 6 बज रहे हैं, मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था, तो मैं 4 बजे उठ गया था एडिटिंग करने के लिए, 4 बजे उठा था, तो अभी एडिटिंग ख़त्म हो गई है। तो पापा से ना बड़ी डांट डाली, पापा को अभी तक पता नहीं चल रहा है कि वो प्रैंक है, पापा सच में मान रहे हैं कि सच में किसी लड़की ने ऐसा किया हुआ है, तो इसलिए वो मम्मा और मेरे को डांट रहे हैं। शायद आज भी डांट पड़े या कुछ गालियाँ पड़ जाएँ, वो तो सुबह देखूंगा। अभी फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं ही खत्म। ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल में पुराने हो तो शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए लव यू ट्रक पर के।